अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल देखो सीखो और जानो। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन वायरलेस चार्जर के बारे में। दोस्तों वायरलेस चार्जर क्या मतलब समझ कुछ आ रहा नहीं होगा, क्या बात कर रहे हैं। बहुत से दोस्तों को पता भी होगा, पर उनको पता होगा कि जिस तरह वायरलेस चार्जिंग उसमें कोई भी नहीं, वो दीवार के एक साइड पे या कमरे के एक साइड पे अटैच कर दें, उससे बस फुल बाय सिग्नल चार्जिंग होते रहते हैं। ये आपने बहुत किसी एड्स में बहुत एक दो साल पहले बहुत चीज चली थी, ये है अभी बकायदा, पर हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम आज बात करें वायरलेस चार्जर में। वो स्टैंड होगा, उसमें बस आपको चार्जर नहीं होगा, पर उससे आप फोन चार्ज कर सकते हैं। सर आप इसके एग्जांपल एक बैटरी बैंक की तरह ले लें, आप उसमें फोन चार्ज कर सकते हैं, पर उसमें भी वायर की जरूरत पड़ती है। बस आपने स्टैंड अपना फोन फिट करना और आपका फोन चार्ज होता है। तो उसमें चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों चले हम आज चलते हैं सैमसंग के ऑफिशियल साइट पे, वहां पे हम देखते हैं इस वायरलेस चार्जर के बारे में। मैंने चूज किया इसलिए सैमसंग, मैंने कहा क्योंकि पाकिस्तान में लोग सैमसंग इस्तेमाल करते हैं और एक काबिले एतबार उनके लिए ब्रांड है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। वायरलेस चार्जर वो पाकिस्तान में अवेलेबल भी है, इस तरह मैं नोट 20 में एक वीडियो बनाई थी, पाकिस्तान में लोगों के पास नोट 20 है तो नोट 20 के लिए भी वायरलेस चार्जर स्टैंड है, इसलिए कंपेटिबल डिफरेंट फोन के लिए होता है, तो मैंने इसलिए सैमसंग चूज किया। चले दोस्तों चलते हैं सैमसंग के ऑफिशियल साइट पर, जरा देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने ऑफिशियल साइट पे आ गया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप साइट खुद ही विजिट भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग लिखा हुआ है, स्टैंड पड़ा हुआ है, ये जो स्टैंड है जिस चीज के ऊपर सैमसंग लिखा हुआ है एक्चुअली ये फोन है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अपना फोन प्लेस करेंगे जिसके जरिए आपका फोन चार्ज होगा। दोस्तों इस जो स्टैंड है आप इसको चार्ज कर सकते हैं, आप इसकी आप देख सकते हैं ये बैटरी है, ये पहले आप स्टैंड चार्ज कर ले, उसके बाद आप ये स्टैंड के साथ कहीं भी ले आ जा सकते हैं। ये फोर्डेबल होता है, फोन की तरह ही होता है, ये उस पर अपना फोन लगा चार्ज हो रहा है, स्टार्ट हो जाएगा। आपको कोई लाइट का मसला नहीं, अगर कोई चार्जिंग पिन का मसला नहीं, इसमें डायरेक्ट लगाया कोई चार्जर उड़ने का मसला नहीं, कोई इस तरह का कोई मसला नहीं आपको होगा। दोस्तों ये बहुत ही कमाल चीज है। यहाँ पे आपको देखें पीछे इन्होंने पूरा हीट सेंसर भी लगाए हुए, कूलिंग जेल भी लगाई हुई, कूलिंग फेन्स भी है ताकि आपके फोन ज्यादा इस तरह रखने की वजह से हीटअप ना हो। कहते हैं ना इस तरह फोन रख दो तो चार्जिंग पे तो हीटअप हो जाता है, नहीं इन्होंने इसका भी पूरा बताया, पूरा सोल्यूशन है ताकि आपको इससे कोई मसला ना हो। इसके साथ पूरा चीज बताई हुई है, देखिए यहाँ पे आपको पिन नजर आ रही है जिसमें आप अपनी यूएसबी या टाइप सी केबल लगाए और चार्जिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ये चार्जर आपको मिल रहा है जिसके जरिए आप चार्ज कर सकते हैं, टाइप सी केबल ही है इसके साथ, ठीक है। अब ज्यादा टाइप सी केबल ही चलती है सबके साथ, यूएसबी केबल खत्म ही होगी उसमें मसला होता है, पिन टूट जाती है ये वगैरह। दोस्तों आपने यहाँ पे देख लिया, आपको दो कलर मिल रहे हैं ब्लैक और व्हाइट। दोस्तों जरा इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे और जरा इसकी स्पेसिफिकेशन भी, वो हम जाते हैं सैमसंग के ऑफिशियल साइट पे, सैमसंग पे देख सॉरी सैमसंग कह रहा हूँ, अमेजोन की ऑफिशियल साइट पे जाते हैं और देखते हैं वहां से इसकी सारी स्पेसिफिकेशन और इसकी प्राइस के बारे में। चले दोस्तों अमेजोन की साइट पे चलते हैं। दोस्तों इस साइट का भी लिंक मैं दूंगा, वहां से आप इस साइट विजिट कर ले ताकि आपको भी पता चल जाए कि यहाँ पे कितनी इसकी प्राइस है, इसकी क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इधर नोट 20 ही लगा हुआ है इस उस पे सैमसंग के, सॉरी ये कोई नोट का दूसरा लगा हुआ है, फिर सैमसंग की नोट नोट सीरीज का ही फोन है, ठीक है। दोस्तों इसमें ये 2.0 चार्जिंग हो रही है, नोट 10 है, सॉरी गलती होगी भाई, नोट 10 है, मैंने चीज देखी नहीं, इधर लिखा हुआ नोट 10 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आराम से आपको इधर से चार्जिंग इसकी अवेलेबिलिटी मिल रही है, इस पर आपको बकायदा पता चल रहा है कि आप यहाँ से चार्ज कर सकते हैं आपको, इसलिए मैंने सैमसंग ही चूज किया था। दोस्तों यहाँ पे आपको उसकी और इमेजेस दिखाता हूँ ताकि आपको उसके पता चल सके। ये देखिए इस तरह मैंने आपको उधर बताया था कि फैन कूलिंग है इसमें, आराम से आपको कोई आपका फोन गर्म नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे फैन कूलिंग है, इससे आपका फोन गर्म नहीं होता, आराम से चार्ज 100% आराम से चार्ज हो सकता है। ये आराम से इसमें प्लेस कर सकते हैं इस तरह, जिस तरह आप हॉरिजॉन्टल प्लेस करना चाहें, वर्टिकल आपकी अपनी मर्जी है। आपकी इसमें आपको लाइट सेंसर भी बताएगा कि जब आपकी पूरी चार्जिंग हो चुकी है आपकी कितनी चार्जिंग आएगी, ये इसमें बड़ी अच्छी चीज है। इसमें आपको दोस्तों क्वालिटीज और सारी स्पेसिफिकेशन क्या मिलती है जरा उसके बारे में बात कर ले। इसकी प्राइस क्या है, $60 इसकी प्राइस है, पाकिस्तान में $60 कितने तकरीबन बन जाते हैं, 10,000 के करीब करीब। पर ये ऐसा बेहतरीन स्टैंड है कि अगर आप इसको लें तो लाइफ टाइम चलता है, आपको कोई इसमें खराब होने का भी नहीं है। स्टैंड इसका आपको डिफरेंट मिल जाते हैं, पैड में मिल जाते हैं, स्टैंड आपने लेना है स्टैंड ले लिया, अभी मैं ड्यूओ की बात कर रहा हूँ, पैड में भी मिल जाता है ये, इस तरह स्टैंड में भी मिल जाता है, स्टैंड 2.0 में भी मिल जाता है, कन्वर्टेबल में मिल जाता है, डिफरेंट डिफरेंट इसके टाइप में मिलते हैं। मैंने आपको इसलिए इजी वाला बताया था कि आपको उस पर पैड में लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए मैंने स्टैंड ही ज्यादा चूज किया ताकि लोगों को ज्यादा कंफर्ट लगे, इसमें कोई मुश्किल ना समझ आए, इनको आराम से समझ आ जाए। दोस्तों यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, सारी इसके कंपेटिबल हर फोन स्मार्टफोन के साथ है, ब्रांड का सैमसंग है, कलर ब्लैक आपको मिल रहा है, पावर सोर्स सॉकेट में और वेट इसका 10.0 औंस है, ठीक है। अबाउट इज कंपेटिबल विद एवरी सैमसंग नोट 10,
इंट्रोड्यूस कंपोनेंट वायरलेस चार्जर आपको मिलता है जिसके जरिए आप इसको चार्ज कर सकते हैं, और यूएसबी टाइप सी, देखें यहाँ पे टाइप सी केबल लिखा हुआ है, आप इसको आराम से चार्जर कर सकते हैं और उसके बाद अपना आराम से फोन चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से तो यहाँ पे देखें ऊपर आपको यहाँ पे पैड में भी मिल रहे हैं, पैड की भी चार्जिंग आप आराम से कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये बेहतरीन कमाल की टेक्नोलॉजी है, बहुत पहले की आ चुकी है पर पाकिस्तान में लोग इसको कम यूज करते हैं, इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस तो बहुत पहले से हो चुका है, मैंने इसलिए इस पर वीडियो बनाई ताकि लोगों को पता चल सके यार नई चीजों को इस्तेमाल करना चाहिए, अपने आपको टेक्नोलॉजी दौर के साथ लाना चाहिए। दोस्तों अगर आज की मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।